फ्रेंड्स नमस्ते, मैं राजकुमारी। मेरे यूट्यूब चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स आज का वीडियो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहना। और चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स मेरे पीछे का व्यू। और फ्रेंड्स मैं वीडियो शूट करना यहाँ से अच्छा लगता है मुझे। और अभी चलेंगे फ्रेंड्स टेरेस पर, क्योंकि टेरेस से कुछ बहुत ही अच्छी है ना जो आज चीज़ मिलने वाली है मुझे। चलते हैं टेरेस पे। जाने के लिए मैंने एक थाली ले ली है और एक प्लेट ले ली है, तो क्योंकि फ्रेंड्स कुछ मिलेगा इसलिए। तो फ्रेंड्स सामान ले लेते हैं और चलते हैं टेरेस पर। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। चलिए और फ्रेंड्स सर्दी के दिन बहुत ही छोटे होने लग गए हैं। और फ्रेंड्स आज के टेरेस पर पहले ना जो मेथी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि सर ठंड पड़ने लग जाती है, इसलिए मैं जल्दी आ चुकी हूँ वहाँ टेरेस पर। तो सबसे पहले मेथी की हार्वेस्टिंग लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सेकंड बार की हार्वेस्टिंग है, और इस हार्वेस्टिंग लेने के बाद में फ्रेंड्स मैं इसको हटा दूंगी और दोबारा से ना फ्रेंड्स मैं मेथी लगाऊंगी इसके अंदर। तो ये देख लीजिए आज और ले लेते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। तो बेटे को पकड़ाती हूँ कैमरा। तो देखिए फ्रेंड्स कट कर लेते हैं और सेकंड बार है फ्रेंड्स ये। और अब अच्छा और सीजन आ गया तो फ्रेंड्स अब दोबारा से लगा देंगे। और फ्रेंड्स बिल्कुल है ना कचरा नहीं है, साफ करने की भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, बस धो के और कट करना है। तो फ्रेंड्स सारे को हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स कट करती जा रही हूँ, अभी काफ़ी सारी निकलेगी। और देखिए फ्रेंड्स इतनी सारी मेथी निकल चुकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो फ्रेंड्स मेथी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स मेथी की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो अभी मैं सेम की भी ले लेती हूँ, क्योंकि सेम की अभी सेकंड बार ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आ रही है अभी। और अभी बहुत ही अच्छी है ना, मतलब इसमें मैंने खाद वाद डाला है, तो अब अच्छे अच्छे से ना जो मतलब फूल बनते हैं ना वो बन रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ी जितनी आ रही हूँ उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और बेटे को पकड़ाती हूँ कैमरा। देखिए फ्रेंड्स सेम की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ये देख लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स इधर भी आ रही है, ले लेते हैं। और फ्रेंड्स सेम कलर है और ये पिछले साल भी लगाई थी मैंने, जो बहुत अच्छी इनसे है ना सब्जी बहुत टेस्टी रहती है। फ्रेंड्स आपको मैंने दो तीन दिन पहले इसमें सरसों की खल का खाद डाला था, तो देख लीजिए काफ़ी सारे है ना जो फूल बनेंगे अब इनमें से। और ये फ्रेंड्स अभी रूटिंग ये अभी सर्दी सर्दी पूरी करेगी ये, देख लीजिए। तो अभी इसके अंदर फ्रूटिंग के जो फूल बनते हैं ना फ्रेंड्स ऐसे, ये देख लीजिए, ये देखो, ये देखिए फ्रेंड्स छोटे 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 छोटे। और इधर भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स, सेम की हार्वेस्टिंग कर ली है मैंने और फ्रेंड्स इतनी निकली है, ज़्यादा नहीं निकली। और देख लीजिए मेथी है, तो इन दोनों को फ्रेंड्स मैं एक ही प्लेट में रख देती हूँ, देख लीजिए, ये देख लीजिए आज की हार्वेस्टिंग सब कर लेते हैं। धनिया की हार्वेस्टिंग, क्योंकि धनिया भी सब्जी में बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स घर का धनिया होता बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं बार बार यही कहती हूँ, क्योंकि घर की चीज़ फ्रेंड्स मार्केट से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तभी मैं धनिया की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स छोटा धनिया है, तो पत्तियाँ ही चुननी पड़ेगी मुझे और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे तोड़ना पड़ेगा। अब मैं फ्रेंड्स तोड़ लेती हूँ, ये देख लीजिए धनिया हार्वेस्ट हो चुका है और बिल्कुल पत्तियाँ पत्तियाँ लिए फ्रेंड्स मैंने, देख लीजिए। फ्रेंड्स तीन चीज़ की आज हार्वेस्टिंग हुई है, मेथी है, सेम की फली है और ये धनिया है। तो फ्रेंड्स तीनों चीज़ों को लेके अब चलती हूँ नीचे, ये देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आज की हार्वेस्टिंग मुझे अच्छी मिल चुकी है और अब चलते हैं नीचे। फ्रेंड्स चलते हैं नीचे और उठाते थाली, तो चलिए। और फ्रेंड्स एक थाली है और एक हाथ में
और फ्रेंड्स सर्दी के दिन है ना बहुत छोटे होने लग गए बहुत ज़्यादा। और देखते हैं, और मैं आ चुकी हूँ नीचे, तो फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग को रखते हैं नीचे। मैंने रख दिया और फ्रेंड्स अभी जैसे इनको सबको मैं धो के रख दूंगी। तो मेथी तो फ्रेंड्स ज़्यादा है नहीं, कम ही है, तो जितने भी इसके पराठे बनेंगे वो मेथी के पराठे बना लेंगे। और सेम भी फ्रेंड्स अभी दो चार दिन पहले हार्वेस्टिंग करी थी, वो भी वैसे वैसे फ्रिज में रखी, ख़राब तो होती नहीं है, तो फ्रेंड्स इसकी मिक्स वेज बन जाएगी। पर आज देखते अभी कोई डिसाइड नहीं है कि क्या बनेगा अभी सब्जी में, तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। किचन के अंदर आ चुकी हूँ और आज भी हमारे छाछ आई हुई है, तो फ्रेंड्स आज पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स सर्दी का मौसम है तो बहुत ही अच्छी भी लगती है। तो वैसे रेसिपी मैंने शेयर करके फिर भी थोड़ा थोड़ा सा आपको शेयर करूंगी जरूर। कढ़ी बनाने के लिए मैं ना जो ज़्यादा नहीं 5 चम्मच ही लेती हूँ, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है और कढ़ी वैसे कम भी खाते हैं, तो 5 चम्मच मैं इसमें ना बेसन डालूंगी। 4 हो चुके हैं, एक और डाल देती हूँ। और साथ के साथ फ्रेंड्स मैं इसमें मसाले भी ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची और 1/2 से कम मिर्ची। फ्रेंड्स धनिया नहीं डालती मैं इसके अंदर, तो इसको अच्छे से मैं इसको फेंट लेती हूँ। और फ्रेंड्स नमक है ना थोड़ा एंड में डालती हूँ, तब सब्जी बनाऊंगी तब, और इसको फूलने के लिए छोड़ देंगे। पकौड़ी के लिए मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स इसमें हरी मिर्ची, प्याज और नमक मिलाकर इसको मिला के रख दूंगी। मैंने जो बेसन को मिला के रख दिया है छाछ के अंदर मिर्ची और हल्दी मिलाकर, और इधर है जो फ्रेंड्स पकौड़ी के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्ची और हल्दी और लाल मिर्ची डाल दी फ्रेंड्स। और कुछ थोड़ा सा मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूंगी जो मैं अपने गार्डन से लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी पकौड़ी बनाएंगे, और 1/2 से कम थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, और अच्छे से मिक्स करके इनकी पकौड़ी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। और फ्रेंड्स कोरी कढ़ी है ना अच्छी नहीं लगती, और पकौड़ी से क्या है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो फ्रेंड्स मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने पकौड़े का इसमें है ना जो मिश्रण तैयार कर लिया है, और फ्रेंड्स इसमें एक आज एक नई चीज़ ऐड करने जा रही हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ी सी मैं छाछ ऐड कर रही हूँ, ताकि इससे ना पकौड़ी का कलर खट्टा खट्टा और अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे भी खा सकते हैं, तो इसको मिक्स कर लेती हूँ। पकौड़ी के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया है, और कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, अब पकौड़ी तलेंगे। और फ्रेंड्स पकौड़ी तलने के लिए डाल दिए, और छोटी छोटी तलनी है मुझे। देखिए फ्रेंड्स पकौड़ी बिल्कुल धीमी आंच पर सेक रही हूँ मैं, और फ्रेंड्स मेरा बेटा भी आएगा तो कहेगा मम्मी ज़्यादा बनाते ना आप, ये देख लीजिए। और फ्रेंड्स एक बार की पकौड़ी निकल चुकी है, ये देख लीजिए, और एक बार और डालेंगे। और फ्रेंड्स सेकंड राउंड डाल रहे हैं अब। और फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे करती हूँ काम को, मुझे क्या तेल का थोड़ा सा वो लगता है छटने का। कढ़ी बनाने के लिए मैंने जीरा डाल दिया है, और तेल मैंने इसमें से निकाल लिया था, पकौड़ी निकाली थी तब। और अब फ्रेंड्स मैं हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, प्याज, ये तीनों चारों चीज़ें मैं डाल रही हूँ एक साथ ही, देख लीजिए। और फिर मैंने छाछ डाल दी है, और हिलाते रहना है इसको 15 से 20 मिनट के लिए। मैं इस धीमी आंच पर कढ़ी को पकने दूंगी, ये देख लीजिए उबाल आ चुका है, ये देख लीजिए। जो हरा धनिया लेके आए फ्रेंड्स इसको कट कर लेती हूँ, और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा है, बिल्कुल पत्तियाँ पत्तियाँ हैं, और बहुत ही इसके अंदर खुशबू है।
धनिया कट कर लेती हूँ बारीक। और कढ़ी में फ्रेंड्स धनिया होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कड़ी पत्ता धनिया ये चीज़ें होती है फ्रेंड्स, जब भी जाके कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस कट हो चुकी है, देखिए कढ़ी पकने के लिए छोड़ दी है। और फिर उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, और फिर मैंने दो तीन बार ऐसे सेयर कर दी है। पर फ्रेंड्स जो इस मतलब आप ये पकौड़ी वाली कढ़ी बनाओगे ना, तो सिंपल कढ़ी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स हींग नहीं थी आज हमारे पास में, ख़त्म हो चुकी थी, और हींग होती तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार लगती। और फ्रेंड्स इतनी सारी है ना जो मैंने पकौड़ी निकाल ली है, तो अभी इसमें डालूंगी और थोड़ी मेरे बेटे के लिए रख दूंगी। अभी गया उसके पापा के साथ में कहीं, वो आएगा तब खाएंगे। देखिए फ्रेंड्स कढ़ी के अंदर ऐसा उबाल आना चाहिए, तभी जाके अच्छे से पकेगी। और फ्रेंड्स 15-20 मिनट तो पकेगी ये आराम से धीमी आँच पर, तो देख लीजिए। हमारी राजस्थानी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, देख लीजिए। कढ़ी की सब्जी और चपाती है, तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स खाना खा लिया है, और कढ़ी खा के बहुत ही अच्छी लगी। और फ्रेंड्स पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं तभी जाकर बहुत टेस्टी बनती है। और फ्रेंड्स खाना खा लिया है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का मेरे वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।